हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। रॉ कार्टिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लांट को मरने से कैसे बचाया जाए। हम कोशिश करते हैं प्लांट पे अच्छे फ्लावर आए, अच्छी ग्रोथ हो, बट दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसमें प्लांट मर जाता है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे आज। पॉइंट नंबर वन, प्लांट का रूट बॉल चेक करना। जी हाँ दोस्तों, प्लांट का रूट बॉल हमेशा चेक करें कि वो रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल। अगर दोस्तों रेड सॉइल है तो डेफिनेटली आपको उसकी 50 या फिर 80% सॉइल रिमूव करनी होगी। अगर ब्लैक सॉइल मिक्स है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रेड सॉइल मिक्स है तो आपको कुछ इस तरह से सॉइल रिमूव करनी है जिसमें आपको वाटर के अंदर रखना है सॉइल को, और करीब 10 से 15 मिनट में ही रेड सॉइल लूज़ हो जाएगी और प्लांट की पूरी रूट्स बाहर आ जाएगी, और आप इजीली किसी भी टूल की मदद से उस सॉइल को रिमूव कर सकते हैं। आप देख लें किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको करना है। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये कौन से सीज़न में करना है। सबसे पहले तो अगर तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आपको ये नहीं करना है, आपको डेफिनेटली शाम के समय करना है, जिससे आपको प्लांट को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना मिले, या फिर आप रेनी सीज़न में ये कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका सवाल यही होगा कि हम ऐसा क्यों करें और रेड सॉइल को क्यों रिमूव करें, इससे क्या नुकसान है। तो दोस्तों इसमें नुकसान सबसे बड़ा यह होता है कि जब भी प्लांट की सॉइल ड्राई हो जाती है तो यहाँ पर जो रेड सॉइल है वो एकदम स्टोन की जैसी हो जाती है। इसमें प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और रूट्स प्रॉपर तरीके से ब्रीद नहीं कर पाती है, और सॉइल जल्दी ड्राई होने के कारण प्लांट को वाटर भी नहीं मिलता है, तो प्लांट डेफिनेटली मर जाता है। अब चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर टू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर टू है सॉइल मिक्सचर। जी हाँ दोस्तों, आपका प्लांट अगर गलत सॉइल मिक्सचर आपने लगाया तो भी मर सकता है। अब जब भी आप न्यू प्लांट लगाएं या फिर किसी प्लांट को रिपोर्ट करें तो कोशिश करें फर्टिलाइज़र का रेशियो या तो 20% से नीचे हो या फिर हो ही ना, क्योंकि फ्रेश सॉइल के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर थ्री है पॉट के अंदर ड्रेनेज होल का होना और सही पॉट का चुनाव सही तरीके से करना। चलिए पॉट के अंदर थोड़ी सॉइल भर देते हैं और फिर एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर फोर हमारा ये है कि आपको प्लांट को ना तो ज़्यादा नीचे की तरफ लगाना है ना ज़्यादा ऊपर की तरफ लगाना है पॉट के अंदर। अगर आपको प्लांट को सही तरीके से ग्रो करना है तो आपको उसको एक एडजस्टेबल हाइट पे रखना है, मतलब कि एकदम सेंटर में ग्रो करना है, जिससे आपको प्लांट अच्छे तरीके से अपनी रूट्स स्प्रेड कर सके और वो एक हेल्दी ग्रोथ के साथ ग्रो हो। तो था ना दोस्तों कितना आसान किसी भी प्लांट को ग्रो करना। अब यहाँ पर हमने हमारे चांदनी प्लांट के अंदर 50% रेड सॉइल रिमूव करिए, इससे दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से ये अपनी रूट्स को फैलाएगा, और दोस्तों आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा फ्लावर देने वाला है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी अपने रूट्स को फैलाने की। आई थिंक दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और ऐसे अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर फाइव पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर फाइव सारे पॉइंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्लांट को पानी पिलाना रिपोर्ट करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा भर के पानी पिलाना है, इससे दोस्तों जितने भी एयर्स होती है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी और इससे चींटियाँ भी अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी गैप रह गया तो चींटियाँ आ जाएगी और प्लांट को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। सो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।